नहीं जानती ये फोन यहाँ कैसे आया। बंद करो अपनी बकवास। अब एक लफ्ज और मत बोलना। बंद करो। आप यहाँ? मोबाइल किसका है? मुझे नहीं पता, मेरा नहीं है। तुम्हारे कमरे में मोबाइल है, तुम्हारा ही हुआ ना? मुझे नहीं पता ये मेरे कमरे में क्यों रखा है, लेकिन ठीक है, देख लेते हैं। लुक, सयान, ये मैसेजेस उसी के हैं ना? और क्या कह रहा है सुन लेते हैं। मैंने तुम्हारे लिए इतना रिस्क लिया, अपनी जान पर खेलकर तुमसे मिलने तुम्हारे घर तुम्हारे कमरे तक आया, अगर तुमने क्या किया तो जाफर के हाथ में फैसला सुना दिया। ये तुमने अच्छा नहीं किया यार। मैं अब भी तुम्हारा मुंतजर हूं, जब भी तुम मुझे आवाज दोगी हाजिर पाओगी। ये काफी है, यहां के पढ़ू पढ़ू आगे। मैं मजबूर थी ज़ियान, इसलिए मैंने ये सब किया, वरना मैं आज भी तुमसे मोहब्बत करती हूं। इस घर में हर तरफ मेरे लिए रास्ते बंद हैं, इसलिए क्या करती मैं बताओ? इस सही वक्त देख के तुमसे राब्ता कर। इसीलिए तुमने ज़ियान को अपनी बहन के घर में बुलाया ताकि मुझ पे तुम अपनी मोहब्बत साबित कर सको, है ना? मेरा फोन नहीं है ये, ना ही मैंने ये चैट की है। मैं नहीं जानती ये फोन यहाँ कैसे आया। बंद करो अपनी बकवास। अब एक लफ्ज और मत बोलना। बंद करो। यहाँ पे खड़े होके अपनी मोहब्बत के दावे कर रही थी तुम मुझसे, निकाह की पासदारी पे लेक्चर दे रही थी तब जब तुम्हारा आशिक इस कमरे में मौजूद था या नहीं? गलती हुई मुझसे, गलती हुई जो तुम जैसी लड़की पे एतबार किया मैंने। अम्मा आप इनको समझाएं, ये फोन मेरा नहीं है, प्लीज जाफर को समझाएं, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ। ये फोन तुम्हारा नहीं तो फिर किसका है? मेरा, अम्मा का या फिर रेशम का? चोर कितना भी शातिर क्यों ना हो, कभी ना कभी पकड़ा ही जाता है। ममुना, वली को बोले के अभी इस लड़की को इसके बहन के घर छोड़ के आए हमेशा हमेशा के लिए। चलो बेबी,